सरकार के तीनों कृषि कानून के खिलाफ बड़ी संख्या में किसान प्रदर्शन कर रहे हैं। आज किसान आंदोलन का 16वां दिन है और बीते दिनों से किसान सरकार से कानूनों को रद्द किए जाने की मांग कर रहे हैं। किसान नेताओं सरकार के मंत्रियों के बीच कम से कम 5 दौर की बातचीत हो चुकी है। हालांकि गृह मंत्री अमित शाह से बैठक के बाद किसानों को प्रस्ताव भेजा गया था जिन्हें किसानों ने सिरे से खारिज कर दिया और दूसरी ओर किसान आंदोलन पर कोरोना वायरस का साया पड़ने लगा है। दरअसल सिंघू बॉर्डर पर तैनात 2 पुलिसकर्मी पॉजिटिव पाए गए हैं। किसानों ने ऐलान किया है कि उनका आंदोलन और तेज होने वाला है। आने वाले दिनों में वो देश में विरोध प्रदर्शन करेंगे और कई हाईवे को ब्लॉक करेंगे। तो वहीं किसान नेताओं का कहना है कि कानून रद्द करने को लेकर अभी तक कोई फैसला नहीं हुआ, इसलिए जल्द ट्रेनों को रोकने की तारीख भी तय की जाएगी। किसान नेता बलवीर सिंह राजीवाल ने बताया कि खेती राज्यों का विषय है तो केंद्र इस पर कानून कैसे ला सकता है। और उनके साथ पीयूष गोयल जो कि रेलवे मंत्री, ये तो कुछ भी नहीं है बेचारे। मैं तो ये कहूंगा असलियत ये है कि मोदी और अमित शाह ये भी नाम के गृह मंत्री और प्रधानमंत्री हैं, जबकि सरकार अबानी और अडानी बिरले टाटे जो संसार के इस कैटेगरी के लोग हैं उनकी है। इसलिए सरकार ने बात करके वही बात करी कि हम जो संशोधन करने को तैयार हैं, तो हमने ये कहा अपनी मीटिंग में कि जो बात संशोधन की बार बार करते हो, जिसको हमने पहले से नकार दिया कि हम संशोधन नहीं चाहते, तुम मान गए हो कि ये कानून जो है, कल ये भी तो मान गए ना कि ये जो कानून बने हैं ये किसानों के नहीं, ये तो जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं जिन्होंने अनाज की खरीदारी करनी है और जखीरेदारी करनी है, ये तो उनके हक में है। अब आगे आंदोलन को तेज करने की बात कही गई है। लगातार किसान विरोध में बैठे हैं 16 दिन से सिंघू बॉर्डर पर और दिल्ली के अलग अलग बॉर्डर पर किसानों का धरना लगातार जारी है। और अभी इस बीच जो प्रस्ताव है सरकार की तरफ से लिखित में भेजे गए थे जिसको किसानों ने सिरे से खारिज कर दिया। इसी बीच में कोरोना का कहर भी देखने को मिला है। वहां पर आंदोलन के बीच में अब कोरोना पॉजिटिव मिलने लगे हैं। 2 पुलिसकर्मी हैं जो जवान हैं वो पॉजिटिव पाए गए हैं, जिसके बाद अब कोरोना का खतरा भी इस आंदोलन के बीच में बढ़ने लगा है। कृषि मंत्री की तरफ से भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई थी और इस बीच उनकी तरफ से भी कहा गया था कि जो कानून है उनको रद्द नहीं किया जाएगा। और अब जो किसान हैं उनका कहना है कि प्रस्ताव पर वो नहीं मानेंगे, संशोधन पर वो नहीं मानेंगे। तो इस बीच ये रात पूरी तरीके से बनी हुई है। सरकार हालांकि लगातार बातचीत की बात कह रही है, चर्चा के लिए सरकार की तरफ से प्रस्ताव दिया जा रहा है। कृषि मंत्री ने भी कही किसान एक पर चर्चा करें और अपना मन उसको बनाए। और सिंघू बॉर्डर से हमारे संवाददाता ने किसान आंदोलन का जायजा लिया है, तो आइए आपको बताते हैं कि आज क्या कुछ खास सिंघू बॉर्डर पर रहा, देखिए इस रिपोर्ट में। आज 16वां दिन है जहां पे सिंघू बॉर्डर पे किसान प्रदर्शन लगातार जारी है और इसी बीच किसान लगातार हरियाणा, पंजाब, राजस्थान क्षेत्र से लगातार जुड़ रहे हैं और इस प्रदर्शन में महिला और बच्चे भी मौजूद हैं। एक तो उनकी जंग सरकार के साथ है, दूसरी जंग ये है कि उनको
ठंड के साथ भी जूझना पड़ रहा है, और क्योंकि हाईवे पे ये प्रदर्शन चल रहा है तो डेली जो काम है जैसे कपड़े धोना, वॉशरूम, हाइजीन, इन सब की भी परेशानी होती है। हमारे साथ यहाँ पे कुछ महिलाएं जुड़ चुकी हैं जो प्रदर्शन में शामिल हुई हैं, जो लुधियाना पंजाब से आई हुई हैं। उनसे बातें करते हैं, उनके बारे में जानते हैं कि कब से वो आई हैं और कब से प्रदर्शन में जुड़ी हुई हैं। मैम, सबसे पहले आपका नाम बताइए। मैं हूं डॉक्टर कुलदीप कौर धालीवाल। मैम, ये बताइए कि आप कहां से हैं और कब यहां पे आपने प्रदर्शन में जुड़े हैं आप? हम माता गंगा खालसा कॉलेज मंजी साहब कोटा का स्टाफ है, मैं वहां की प्रिंसिपल हूं, और कल रात से हम जहां पे आए हुए हैं और दो तीन रोज वहां पे रहेंगे अपने किसान भ्राओं, अपने किसान माताओं, अपने किसान बच्चों के साथ। हम खूब एंजॉय कर रहे हैं, हमें कोई ठंड नहीं लग रही, हमें कुछ नहीं हो रहा, हम सेवा भी कर रहे हैं। हम तो बस सरकार को दिखाने आए हैं कि अपनी जिद छोड़ दो प्लीज़। जेद के आगे तो सारे जो लोक शक्ति है ना, जन शक्ति है, उसके आगे तो बड़े बड़े सलाब नहीं ठहरते, ठीक है? तो हट है जड़ी, वो छोड़ देनी चाहिए, क्योंकि गवर्नमेंट जो होती है ना वो लोगों के लिए होती है। क्योंकि इब्राहिम लिंकन ने कहा था ना कि डेमोक्रेसी किसके लिए है? लोगों के लिए। कौन बनाता है? लोग। किसके लिए बनती है? लोगों के लिए। तो फिर हम हट क्यों करें? किसान नहीं चाहते कि आप हमारा भला करो, बहुत सालों से हमारा भला नहीं हुआ। किसान सड़कों पे रोलते हैं, उनको वाजिब कीमत नहीं मिलती, खुदकशी कर रहे हैं, लगातार खुदकशी कर रहे हैं, कर्जे के बोझ थले दब रहे हैं। पर उन्होंने तो कभी मांग नहीं ना की कि हमें कोई ऐसा ऑर्डिनेंस दो कि हमारा भला करो। जब किसान नहीं चाहते तो फिर क्यों करना चाहती है गवर्नमेंट भला? ऐसे ऑर्डिनेंस किसानों को नहीं चाहिए। हम एजुकेशनल वर्क, मैं एक कॉलेज से हूँ, कॉलेज की प्रिंसिपल हूँ, जो मेरे कॉलेज का स्टाफ है, और मेरे कॉलेज के बच्चे भी आना चाहते थे, बच्चे भी आएंगे। सो मैं तो कहूँगी कि अकेले थल्ले थे जान में, मंजिल की तरफ लोग चलते रहे और काफिला बनता गया। सो एक काफिला है, एक काफिला जीत के घर मुड़ेगा। हम वहाँ पे जाते हैं तो दो बार जो सवेरे और शाम अरदास करते हैं, तो इन बच्चों के लिए अरदास करते हैं कि इनको फतेह नसीब हो, क्योंकि हमारे गुरु है जिन्हें उन्होंने हमें चढ़दी कला का जड़ी छान है, जाग है जड़ी, वो लगाई हुई। हम चढ़दी कला में कोई बात नहीं है, जो वॉशरूम नहीं है तभी कोई बात नहीं है, जैसे भी है वैसे भी काट लेते हैं। यही तो जिंदगी है। मैम, आपसे ये पूछना चाहूंगा कि आपका नाम बताइए पहले। मेरा नाम सरबजीत कौर है, मैं लाइब्रेरी में काम करती हूँ। हमारा तो संदेशा जी ये है सभी बहन भाइयों को कि आज हम ये बता देंगे सबको कि भारतीय हैं, जो पंजाबी है, शहीद भगत सिंह की तरह, ते गुरु गोबिंद सिंह जी बच्चों की तरह, ते गुरु तेग बहादुर जी दी साढ़े दादा जी जिन्हां ने इत्थे कुर्बानी दित्ती, ते असी सारे उन्हां दी तरह ही एकजुट होवांगे ते एकता दिखावांगे। जिवें हुण सानू लगदा ही नहीं कि असी दिल्ली दे विच आए हां, सानू इस तरह लगदा कि असी सारा साडा पंजाब, सारे साडे भाई ने, क्योंकि उन्होंने औरतों नूं भी इन्नी रिस्पैक्ट दित्ती आ, जद के दिल्ली च औरतों नूं कदे इन्नी रिस्पैक्ट नहीं दिंदी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो महिला का ग्रुप है जो कि लुधियाना कॉलेज में पढ़ाते हैं और उनके प्रिंसिपल्स हैं, यहाँ पे सेवा कर रहे हैं और सब फिलहाल जो है वो सब्जियाँ काट रहे हैं। मैम, आपसे पूछना चाहूंगा आपका नाम क्या है? बलजीत कौर। मैम, ये बताइए कि आप अभी सब्जी काट रहे, कितने लोगों का खाना आज बना रहे हैं आप, कितने किसान भाई को आज खिला रहे हैं? सर, ये तो गिनती नहीं है खाने की, कितने लोगों का बना रहे हैं, अनगिनत लोग खाना खा रहे हैं यहाँ से। ये गुरु का लंगर है, अटूट वर्त रहा है, जितने मर्जी लोग आके यहाँ लंगर छक सकते हैं। हाँ जी, तो आज आप खाने में आज क्या बन रहा है? खाने में पकौड़े बन रहे हैं सर, चाय के साथ। चाय और पकौड़े? हाँ जी, चाय और पकौड़े बन रहे हैं। जैसे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे चाय और पकोड़े बनाने की तैयारी चल रही है, और जो महिलाओं का ग्रुप है जो कि लुधियाना के कॉलेज में पढ़ाते हैं, उनके प्रिंसिपल और उनके स्टाफ हैं, और वो किसान प्रदर्शन में जुड़े हुए हैं आज सिंगू बॉर्डर में, और यहाँ पे तीन चार दिन वो यहाँ पे सेवा करेंगे और प्रदर्शन में जुड़ेंगे। और उनका ये कहना है कि जो चैलेंजेस होते हैं, क्योंकि ये हाईवे, ठंड है, वॉशरूम की दिक्कत है, बट जो इंग्लिश में कहावत है, देर इज़ अ व्हेन देर इज़ अ विल देर इज़ अ वे,
तो यही उनका कहना है कि जब तक हमें उम्मीद है कि हमारी मांगे पूरी होगी, सरकार हमारी बातें सुनेंगी, और यही नहीं, इनके जो कॉलेज में जो स्टूडेंट्स हैं वो भी आके प्रदर्शन में जुड़ेंगे। कैमरा पर्सन सुभाष इजदास के साथ सभी साथी रॉय चौधरी, इंडिया न्यूज़, नई दिल्ली।